सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है सभी का ज्ञानिस्तान 2.0 पर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सम्राट भाई और टॉक्सिक बोल के एक चैनल है उनके बारे में। तो हुआ ये है गाइस कि टॉक्सिक बोल के जो एक चैनल है उन्होंने अभी रोस्ट किया था सम्राट भाई को और लक्ष्य चौधरी को भी गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है उन्होंने काफी सारी चीजें जो है इन लोगों के बारे में एक्सपोज किया है और ये है कि इनके चैनल पर जो भी कंटेंट ये लोग डालते हैं वो बेसिकली जो है वो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड होता है और सम्राट भाई जो है वो अपने वीडियोस में व्यूज पाने के लिए जो है वो पैसे भी लेते हैं और जो भी इनका कंटेंट है वो बेसिकली जो है दूसरों को रोस्ट करना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, तभी जो है इनको व्यूज मिलते हैं और तभी जो है इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, इनके चैनल्स अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने जा रहा हूँ टॉक्सिक के चैनल से और उसके बाद गाइज मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा। सम्राट भाई का भी एक नया वीडियो आया है जिसमें कि उन्होंने इनडायरेक्टली रोस्ट किया है टॉक्सिक को और गाइज इस वीडियो का टाइटल है रिप्लाई टू क्लाउन्स फीचरिंग आशिका भाटिया। तो सबसे पहले गाइज आप देखिए टॉक्सिक के चैनल से एक छोटा सा वीडियो। तुम लोग पता नहीं भाई किस घमंड में जीते हो, लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं हो, लिटरली कुछ भी नहीं। तुम्हारे चैनल के व्यूज डिपेंड करते हैं टॉपिक्स पे। अगर तुम कंट्रोवर्सी नहीं करोगे ना तो तुम्हारे चैनल पे कोई नहीं आएगा। अपने आपको लोगों का मसीहा बताते हैं लेकिन ये खुद इतने बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं कि मैं तुम लोगों को गिना नहीं सकता। एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये लक्ष्य एंड इसके कुत्ते को भगवान मानने की जरूरत नहीं है। ये लोग कंट्रोवर्सी के दम पे ग्रो कर चुके हैं, ये लोग कंट्रोवर्सी के दम पे ही ग्रो कर पाएंगे। ये लोगों के बहकावे में आके लोगों को हेट करने से कुछ नहीं मिलेगा। इन लोगों की पूरी ग्रुप होती है, ये लोग मिलकर किसी भी बंदे पे टारगेट बना देते हैं, उसके ऊपर लगातार वीडियो बनाते जाते हैं। इतने ज्यादा वीडियो बन जाती है कि सामने वाले बंदे के चैनल को रिपोर्ट कर करके डेड किया जाता है। और अब गाइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सम्राट भाई के चैनल से जो नया वीडियो आया है उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप, आप भी देखिए गाइस। आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे क्लाउन्स और मेरे हेटर्स के लिए और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत कंटेंट आई मीन थोड़े से जवाब मेरे मिल जाए ताकि अगले सेगमेंट काफी ज्यादा सीरियस है। काफी लोगों ने मुझे इस बात पर कॉल आउट किया है कि मैं कंट्रोवर्सी इसलिए करता हूं ताकि मुझे व्यूज मिले। भाई जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ना उस दुनिया में तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है व्यूज से और खत्म हो जाती है स्पॉन्सरशिप पे, लेकिन मेरी जिंदगी इससे बहुत ऊपर और बहुत अलग है। सीरियसली मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ ना उससे काफी लोगों का भला होता है। मेरी 10 वीडियो में से सिर्फ एक वीडियो ऐसी होती है जिसमें मैं किसी को टारगेट या फिर रोस्ट कर रहा होता हूँ, बाकी 9 की 9 वीडियो ऐसी होती है जिसमें मैं कुछ ना कुछ हेल्दी, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल और कुछ ना कुछ लॉजिकल कंटेंट लोगों को देता हूँ। अगर मुझे व्यूज के लिए करना होता तो मैं बायस जोन के ऊपर 20-20 वीडियोस बना देता आपकी तरह। अगर मुझे व्यूज के लिए करना होता तो मैं भी सौफे अंसारी को बैठ के गाली दे सकता था, उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको गाली देने पर ज्यादा क्लाउड मिलता अगर आपको शायद पता हो। और सोफिया को मैंने गाली क्यों नहीं दी ये अगले सेगमेंट में बताऊंगा, पहले इस सेगमेंट को क्लियर कर लूं। तो पॉइंट इज दैट कि अगर मैं व्यूज के लिए कर रहा होता तो ये सब कर लेता। और दूसरी बात, अगर मैं व्यूज के लिए मर रहा होता ना तो 25,000 रुपए खर्च करके ऑनलाइन जॉब लेने नहीं जाता और ना इस तरीके की वीडियो बना के आपके सामने वो पॉइंट रखता जिससे आपके पैसे बर्बाद हो सकते थे। व्यूज के लिए करना होता ना तो भरी सर्दी में अपने घर से 20 किलोमीटर दूर नहीं जाता, वहां जाके किसानों को इंटरव्यू लेके आपके सामने नहीं दिखाता कि देश का किसान क्या सोचना चाह रहा है। अगर व्यूज के लिए करना होता तो मैं तो जैसा सपोर्ट करना शुरू कर देता, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देता आपको। अगर व्यूज के लिए करना होता ना तो MLM की मीटिंग में जाके 6,000 से नहीं घुस पाता। अगर व्यूज के लिए करना होता ना तो उन ऐप के ऊपर अपना पैसा वेस्ट नहीं करता जिनको मैं खुद प्रमोट करके पैसे कमा सकता। अगर व्यूज के लिए करना होता ना तो हैदराबाद रेप केस के टाइम जाके अपने मेयर को लेटर ना देता, अपने लोकल पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट ना करता कि इस मामले का संज्ञान ले, बल्कि तुम्हारी तरह बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगा के रन कर रहा होता। सो पॉइंट इज दैट, अपना कैमरा खोल के और गेम प्ले के पीछे भौंक के अपने आप को होशियार मत बताओ। जहाँ तुम्हारी सोच शुरू होती ना, हाँ मेरी कंपनी काम कर रही होती है, गूगल पर कास्ट सर्च करने से अच्छा मेरा पास्ट सर्च कर लो, कुछ नॉलेज मिल जाएगी मेरे बारे में। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना गाइज, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन पैनल पे अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो पे एक नए अपडेट के साथ।